आपके सामने फिर से आ गई अपने भाई रघुनाथ पांडा के साथ और मम्मी के साथ भी। तो हमने नया चैनल खोला है, उसका नाम है सर्किट वॉरियर्स। उसमें आप देख सकते हैं कि किड्स के लिए भी वर्कआउट दिया और मॉम्स के लिए भी वर्कआउट दिया है, और उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, प्लीज़ आप देख लीजिएगा। सर्किट वॉरियर में हमारी बड़ी एक्सरसाइज ना पूछो, डिस्क्रिप्शन में मळे जशे, करो अने लाइक करो। थैंक यू। ओली वाला ना दीवाल ना धक्का मार दिया सर, ना नीचे धक्का मार दिया। लगो तो आ साइड है, तो वाली साइड होएगा। लगो तो आ साइड आओ, जल्द वाली साइड होएगा सर। मम्मी यहाँ पर स्प्रेड लेग्स मोर डाउन हेड अप, बोलो हाथ नजदीक है।
ये वर्कआउट के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि वॉल पुशअप कैसे करना है, स्क्वाट कैसे करना है, क्रंच कैसे करना है। तो आप हमारे साथ बने रहिए एंड तक। और हमने आज का सर्किट कितने मिनट में कंप्लीट किया है वो आप कमेंट में डालिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि मतलब इजी वे स्क्वाट करने का। तो स्क्वाट में पहले हम इतना डिस्टेंस लेंगे पैर का, फिर हमारा जो नी है ना वो टो की लाइन में होना चाहिए, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आपको अपना पैर का लेंथ कितना रखना है, आपका पैर का लेंथ आपके शोल्डर लेंथ के जितना होना चाहिए। तो हम ऐसे शोल्डर लेंथ नापेंगे और टो आपको बाहर रखना है। तो जब हम नीचे जाएंगे ना तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी नी आपके टो के आगे ऐसे नहीं जानी चाहिए, ऐसे मतलब टो के लाइन में होनी चाहिए, टो के आगे नहीं जानी चाहिए। ये रॉन्ग स्क्वाट है, ये परफेक्ट स्क्वाट है। ये तो आप फुल स्क्वाट भी कर सकते हैं ऐसे, तो ये परफेक्ट रहेगा आपका। जैसे हम इंडियन टॉयलेट पे बैठते हैं सेम वे लाइक दिस। और एक सिंपल वे है जिसका वेट बढ़ गया है उसके लिए, तो यहाँ पे मेरी मम्मी करके बताएगी आपको। आप कुर्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्वाट्स के लिए, वो आपके लिए और इजी पड़ेगा। जो पैर है उसको कुर्सी के उसके नज़दीक लेना है, वहाँ जा जी। हाँ, ये स्क्वाट्स भी आप कर सकते हैं, जिसको स्क्वाट्स नहीं जम रहा है वो सपोर्टेड स्क्वाट्स बोल सकते हैं इसको। तो अभी हम वॉल पुशअप्स करेंगे। तो आपका हाथ का लेंथ होना चाहिए शोल्डर लेंथ के जितना ही आपका हाथ का लेंथ होना चाहिए। और आपको नाक के सामने नहीं रखना है, ये गलत है, आपको शोल्डर के सामने ही आपका हाथ रखना है। तो ये और पैर का लेंथ इतना रखना है, और आपको नाक टच नहीं करना है, आपका कान टच करना है आपको। तो ऐसे करेंगे हम। आपको पुशअप में जो बेनिफिट मिलेगा वही इसमें मिलेगा, बट आपको रिपीटेशंस थोड़ा ज्यादा करने पड़ेगा। और इसको हम धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे, तो आप प्रॉपर पुशअप्स भी कर सकते हैं, पर इसको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मेहनत भी लगेगा। तो आपको सपोर्टेड स्क्वाट्स है उसके लिए आपकी कुर्सी के पैर के साथ आपका पैर रखिए और आपका हाथ सीधा रखिए और फिर बैठना है। मगर बैठने में ध्यान रखिए कि आपका जो बॉडी है अपर बॉडी वो आगे ना झुके, ठीक है? तो ऐसे कर सकते हैं आप।
ये इजी वे होता है स्क्वाट्स के लिए, और जो नॉर्मल स्क्वाट्स करते हैं उसमें भी यही फायदा है जो सपोर्टर स्क्वाट्स में है। जिसके इनर थाइज और हिप्स बढ़ गए उन लोग के लिए एक इजी एक्सरसाइज है। बहुत थोड़ा करो, उसी थोड़ा नीचे जाओ, ऊपर जाओ, पहला अभी रीते सीखो जो की बोल उसी अभी रीते सीखो चाल से। ऊपर जाते वक्त श्वास लेवानो, नीचे जाते वक्त छोड़वानो। ध्यान रखिए कि आपका पैर ऐसे ऑपोजिट हो तो उससे आपको इनर थाइज में फायदा हो सकता है। आज मैं आपको थोड़ा ओडिसी वार्म अप भी दूंगी तो आप बने रहिए। तो सबसे पहले तो पैर स्ट्रेट रखिए और उसको थोड़ा बी में डाल दीजिए और हाथ ऐसे आगे रख के एट काउंट्स में आपको नीचे जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 4 काउंट्स में नीचे जाना है और 4 काउंट्स में ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 2 काउंट्स में नीचे और 2 काउंट्स में ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर एकदम फास्ट में आप मतलब एक एक काउंट में ऊपर नीचे कर सकते हैं लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉम्स को थोड़ा तकलीफ होगा मगर उनको कराते रहिए, ये लॉकडाउन में आपको बहुत ही फायदा होगा। ये एक्सरसाइज करने में मॉम्स को थोड़ा प्रॉब्लम होगा बट उनको आप कराते रहिए, ये लॉकडाउन में उनके लिए बहुत अच्छा है, फायदा होगा उनको। जिसके हिप्स बहुत ज़्यादा है और अपर बैक का फैट बढ़ गया है उनके लिए भी एक सिंपल एक्सरसाइज है। हम मतलब हमें एक एक करना है 45 एंगल में, तो इससे आपका जो बैक है अपर बैक उसमें भी फायदा होगा और जो हिप्स है उसमें भी फायदा होगा। तो मैं आप और बता रही हूँ, मेरी मम्मी आपको ऐसे बताएंगी। Loudly. 5 6 7 8 9 10 11 Change. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिसका ये हिप ये साइड हिप बढ़ गया है बेड बैठ के उसके लिए भी एक सिंपल एक्सरसाइज है। आपको नी सॉफ्ट करके अपना हिप थोड़ा साइड में लेके किक करना है।
आपका जो ये बढ़ गया है वो उसका फैट लॉस होगा। एक्सरसाइज ની સાથે હાથ ઉપર નીચે લઈ જશો તો તમારા ખભા અને બાવડામાં પણ ફાયદો થશે, એ પણ સારા બની જશે એકદમ।